small moment. Naval ji, if I'm audible to you. Yes, yes, Bajan. अगर आप सुन पा रहे हैं तो. हाँ जी, हाँ जी. जी, Naval ji, जनसंख्या नीति पर जो polarization की politics हो रही है और जनसंख्या विस्फोट जैसे गंभीर विषय पे हिंदू मुसलमान का political tag जिस तरह से लगाया गया है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है कि एलजीएफ के जो प्रेसिडेंट और एमपी मौलाना बदरुद्दीन आजमल तो एक ढंग के नाम पे पॉपुलेशन जितना भी हो बच्चा पैदा करो, ये दरअसल एक जो महिलाओं के ऊपर ये इंसल्ट है और ये जो है राजनीति कर रहे हैं रिलीजन के ऊपर. और असम गवर्नमेंट चाहता है कि असम में सब लोग खुशहाल रहे और हम दो हमारे दो ये नीति अपनाया है. और जैसे भी हो ये असम सरकार ये नीति जो लागू किया है सख्त से सख्त हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे. और मोदरुद्दीन आजमल उसने जो किया है आजकल जो सभ्य समाज एजुकेटेड वर्ल्ड में उसका कोई मायने नहीं रखते हैं. लोग उसके निंदनीय है, उसको हम लोग निंदा करते हैं. और एक पॉलिटिकल लीडर और एक रिलीजियस लीडर होने के नाते ये दरअसल लोगों को गुमराह कर रहे हैं. और ये जो झाड़ फूक का राजनीति करते हैं इसमें से भी एक है. और ये जो लोग जो है इलिटरेट लोग है उन लोगों को ये कह करके उनमें से उनका पॉपुलेशन बढ़ा के ये राजनीति का रोटी सेकना चाहते हैं. क्या आप ये कहना चाहेंगे कि 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले विषय को लेकर राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार करने की कोशिश की जा रही है? शायद उसका वही मकसद रहा होगा. एक घृणनीय राजनीति कर रहे हैं. ये राजनीति जो हो रहा है वो 2021 को मद्देनजर रखते हुए जैसे कि उन लोगों का पेड़ का जमीन खिसक गया है उसके लिए वो लोग फिर से वो कब्जा करने के लिए ये चीजें कह रहे हैं. ये कोई नई बात नहीं है. बदरुद्दीन आजमल के कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पहले भी दे चुके हैं वो. और आसाम में चाहते हैं कि ये कम्युनल टेंशन बढ़े और इसको लेकर के वो उसका राजनीति का भविष्य आगे ले जाए इसी तरह से वो पॉलिटिक्स करते हैं. लेकिन इस विषय में जहरुल इस्लाम जी आपको रिएक्शन देना हम लोग बोल रहे हैं बोल नहीं रहे उसका बात अलग है. हम लोगों ने एक लॉ लाया असेंबली में पास किया और असेंबली में पास करके ये एक्ट हुआ है. हम लोग को जो कर रहा है उसमें जाइए. जो किसने किसने लीडर ने बोला है उसके बारे में आप लोग मत बोलिएगा. हम लोग जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं. ये असेंबली में भाजपा की सरकार हम लोग के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में एक बलिष्ठ कदम है और आसाम के जनता के लिए भविष्य के लिए ये एक बहुत कदम है. वो कदम इसको बंद रहते रखते हुए हमें सभी लोगों के लिए ये लागू होगा और एक ही रिलीजन के लिए लागू होगा ऐसे नहीं है. आसाम के हर जनता के ऊपर ये लॉ लागू होगा. ये लॉ सभी के ऊपर है. तो इसीलिए अकेले जाकर के बदरुद्दीन आजमल एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर के आगे बढ़ने से ये सही नहीं है. ये बहुत गलत बात हो रहा है. आसाम में ये एक भड़काऊ ये बयान दे करके लोगों को गुमराह करने के काम कर रही है. टेक्निकली कौन कर रहा है वो देखिए. टेक्निकली कौन कर रहा है? 8-10 के बच्चे कौन पैदा कर रहा है? इसमें जाइए आप. आप बोलिए ना. और बच्चा कौन पैदा करता है उसमें लगिए. हाँ उसमें ध्यान दीजिए आप. उसको भड़काओ भाषण देने से देश का भला नहीं होने वाला है. यूरोपियन पब्लिक को ऐसे भड़काओ भाषण दे करके ऐसे स्टेटमेंट दे करके गुमराह प्लीज गुमराह मत कीजिए. आसाम जो है ये मदरलैंड सभी के लिए है और इसको सम्मान करना है. और एक अभी जो ये दिया है बच्चा जितना पैदा करो ये महिलाओं के लिए असम्मानजनक आपत्तिजनक है. ये इंसाफ है वुमेन कम्युनिटी के लिए. बच्चा ऐसा जितना चाहे इतना पैदा करके महिलाओं को आप लोग ने बच्चा पैदा करने का फैक्ट्री सोच के रखा है क्या? ये तो बहुत शुक्रिया महिलाओं के ऊपर.
महिलाओं के स्वास्थ्य महिलाओं के सम्मान रखना चाहिए, स्वास्थ्य रखना। बहुत बहुत शुक्रिया। महिलाओं का अपमान।